हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। आज बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको बहुत ही मजेदार बनाने वाले हैं, और अगर आप इस वीडियो को एक बार सुन लेंगे तो आप आज का टॉपिक तो भूल ही नहीं पाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊं तो आप मुझे बताइए कि अब तक हम यूनिट 6 टॉपिक में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी क्लियर टू यू, हमने सबसे पहले देखा स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग की फीचर्स क्या है। हमने देखा कि स्टाफिंग के तीन जो है मेन एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जिसमें से हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में जो है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा बेसिकली सिलेक्शन पर। देखिए, सिलेक्शन में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी पर ले चलता हूं, शायद आपको समझने में और ज्यादा जो है ना हेल्पफुल होगी। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है, किसी गांव का एक प्रेम सिंह जॉब की तलाश में शहर को निकल पड़ता है। अब शहर में आकर वो मुझसे जो है टकरा जाता है। अब मुझसे टकराने के बाद मुझसे कहता है कि भाई विक्रम, मुझे जो है पार्टिकुलर कोई जॉब जो है दिला दे। मैं उसको समझा रहा हूं, देखो प्रेम सिंह भाई, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब को लेने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी जरूरी है जो कि पार्टिकुलरली एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चेक की जाती है। अब प्रेम सिंह जो है घबराया और घबराते घबराते पूछने लगा, बताइए सर कि कौन कौन सी जो है क्वालिटीज मेरी होनी चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर जॉब को लेने के लिए। तो मैंने उसको समझाया कि हमारे यहाँ अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप वो स्टेप क्लियर कर पाए तो ही आप जो है जॉब के लिए सिलेक्टेड होंगे और आपको पार्टिकुलर एक जॉब लोकेशन दे दी जाएगी। तो प्रेम सिंह क्या कहता है, आप मुझे एक बार स्टेप समझा दीजिए, फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि मैं उनको कैसे क्लियर करते हुए चलता हूं। तो मैं उनको स्टेप समझाते हुए क्या बताता हूं कि पहला स्टेप प्रेम सिंह जी कुछ इस प्रकार का है। मैंने उनको बताया कि पहला स्टेप हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का होता है। तो प्रेम सिंह जी को ये भाषा समझ में आई नहीं, क्योंकि वो आए गांव से। तो हमने उनको समझाने के लिए क्या कहा कि प्रेम सिंह जी, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स का एक प्राइमरी सर्च आउट होगा, देखा जाएगा कि उन डॉक्यूमेंट्स के बिहार पर आप किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए जिस भी प्रकार की जॉब का आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हो या जो दे रहे हो, वो उस पार्टिकुलर जॉब के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, या आप उन क्वालिटीज को एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, या वो क्वालिटीज आप में है या नहीं। तो प्रेम सिंह ने कहा, कोई समस्या नहीं सर, मैं एमए बीएड हूं और मैं जो है टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो ठीक है, प्रेम सिंह जी बेसिक से गांव से था, लेकिन एमए बीएड होने के नाते उसको टीचिंग के बारे में तो पता ही था। तो मैंने उसको बताया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और इसका मतलब मैंने उसको क्या बताया कि इसका मतलब उसको समझाते मैंने कहा कि इसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति जो जिस प्रकार की क्वालिटीज की हमें जरूरत होती है उनमें अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो उनको हम एक साइड कर देते हैं, और जो व्यक्ति पार्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड होते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, ताकि उसको फर्दर स्टेप पर ले जाया जा सके, ताकि उससे फर्दर जो स्टेप है उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके, और उसके थ्रू हम करते क्या है नेक्स्ट स्टेप में, हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपने सिलेक्शन टेस्ट पर। तो प्रेम सिंह जी ने कहा ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से मुझे गुजरना होगा। दूसरा स्टेप आप बता रहे हैं सर, सिलेक्शन टेस्ट। अभी सिलेक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मैंने तो एक ही टेस्ट सुना आज तक, वो भी टाइपिंग टेस्ट। अच्छा चलो, टाइपिंग टेस्ट का तो पता है ना आपको। अब टाइपिंग टेस्ट का पता है तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन टेस्ट है उनमें हम बेसिकली 5 प्रकार के टेस्ट कंसिडर करते हैं, और वो 5 प्रकार के टेस्ट कुछ इस प्रकार से है। पहला टेस्ट है टी ए आई पी
आई। अगर मैं बात करूं इनको तो ये टाइप भी बन जाता है, क्योंकि आपने टाइपिंग टेस्ट सुना था, तो मैं समझाने के लिए आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। तो टाइपिंग टेस्ट में पहला टेस्ट है हमारा ट्रेड टेस्ट, दूसरा है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट, चौथा है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, और पांचवा है इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर मैं इन टेस्ट के बारे में बात करूं तो ये टेस्ट लेते क्यों हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इन टेस्ट को कंडक्ट क्यों करता है, उसको कंडक्ट करने का सीधा सा पर्पस है कि अगर ये टेस्ट लिए जाए तो उससे ये पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति कितना कैपेबल है, कितना उसके अंदर जो है लर्निंग एबिलिटीज है, वो चीजों को कितने अच्छे से सीख पाता है। अगर मैं वन बाय वन टेस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहला टेस्ट हमने बताया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस पार्टिकुलर जॉब के लिए वो आया है उसको उसकी कितनी नॉलेज है, वो उसके बारे में कितना जानता है, वो उसके बारे में कोई जो है कोई पार्टिकुलर एक्सपीरियंस रखता है या नहीं रखता है, ये हमारा क्या है ट्रेड टेस्ट। प्रेम सिंह जी ने कहा ठीक है, प्रेम सिंह जी ने मुझे बताया कि ठीक है सर आप मुझे ये बताइए कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना कैपेबल है किसी चीज को सीखने के लिए, ये नई स्किल्स सीखने के लिए वो कितना कैपेबल है। बेसिकली इसमें न्यू स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की नई स्किल्स को सीखने की कैपेबिलिटीज कैसे है। प्रेम सिंह जी दो टेस्ट के बारे में समझते हुए तीसरे टेस्ट के बारे में बड़े उत्सुकता से पूछते हैं, भाई साहब मुझे बताइए कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा हमारा एक इंटरेस्ट टेस्ट, दोनों में से कोई भी डिस्कस कर ले। चलिए इंटेलिजेंस टेस्ट से पहले हम एक बार इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट क्या है, इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब मैं उसको समझाते हुए क्या बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पार्टिकुलर जॉब के लिए जब आया है तो वो उसमें अपनी कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अब मान लीजिए आप अगर टीचिंग के लिए आए हैं तो आपके अंदर किस चीज को जज किया जाएगा कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग कहाँ से हो रही है, टीचिंग दिमाग से हो रही है, टीचिंग जो है जुबान से हो रही है, या टीचिंग जो है बिल्कुल हार्ट से हो रही है, इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रही है, आपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रखा है, या टीचिंग करते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर ऐसे खो जाते हैं कि आप जो है टीचिंग में मतलब करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं इसी प्रोफेशन का ही जो है पार्टिकुलर पार्ट हूँ और कोई प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं। तो इंटरेस्ट है हम उसकी इन्वॉल्वमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट में हम लोग करते क्या है बेटा, आप देखिए किसी का जॉब करते हुए मुंह जो है बड़ा स्माइली फेस होता है, कोई जो है बिल्कुल मायूस सा खड़ा होता है, और कोई जो है पसीने नहीं जो है अपने साफ करने में लगा रहता है, उसके पसीने नहीं होते। इसका मतलब है पर्सनालिटी टेस्ट का जब हम चेकअप करते हैं तो ये देखते हैं कि पार्टिकुलर व्यक्ति इमोशंस को, मैच्योरिटी को, या मैच्योरिटी लेवल्स का जो हम चेक करते हैं, मैच्योरिटी को जो है कितना शो कर पाता है, उसकी जो इमोशंस है वो कंट्रोलिंग पावर कितनी है, या वो एम्पैथी सिंपैथी वर्ड्स को समझता है या नहीं समझता है। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली एक पूरे के पूरे जो पर्सन जो होता है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम लोग चेक करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। देखिए अगर मैं ये कहूँ आपको कि एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में इंटरव्यू देने चला गया और एक व्यक्ति जो जो है ना वो जानता ही नहीं है कोट पैंट पहन के इंटरव्यू देने चला गया, तो आप मुझे बताएं कि दोनों में पढ़ा लिखा कौन लगेगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाता है और एक जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति कोट पैंट पहन के चला जाता है, तो दोनों में पढ़ा लिखा कौन लगेगा, आप कैसे जज करेंगे? बाय सीइंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल और इंटरनल अपीयरेंस पर्सनैलिटी टेस्ट का पार्ट होता है, उससे ये पता लगता है कि पार्टिकुलर व्यक्ति किस नेचर का है, उसके इमोशंस, उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, ये चीजें चेक करते हैं। लास्ट दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल का मतलब है कि हम उसको पार्टिकुलर कोई पिक्चर देकर या कोई किसी प्रकार का कोई क्विज देकर उसकी नॉलेज चेक कर सकते हैं, उसके जो है आईक्यू लेवल को चेक कर सकते हैं, या पार्टिकुलर कोई सिचुएशन देकर ये जज कर सकते हैं कि क्या वो इस पार्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। प्रेम सिंह जी को मैंने 5 टेस्ट समझाए। अब प्रेम सिंह जी कहते क्या है, प्रेम सिंह जी कहते हैं जी ठीक है मुझे पहला टेस्ट, पहला जो है पार्टिकुलर स्टेप समझ में आ गया, पहला स्टेप आपने मुझे बताया प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग का, दूसरा आपने मुझे बताया सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट में आपने मुझे बताया 5 टेस्ट, पांचों टेस्ट मुझे अच्छे से समझ में आ गए, इसके बाद कौन सा स्टेप जो है मुझे फेस करना होगा इंटरव्यू के लिए। तो मैं
प्रेम सिंह जी को नेक्स्ट स्टेप ले जाते हुए क्या बताता हूँ, प्रेम सिंह जी नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, अगर आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान आप क्वालिफाइड पर्सन निकले और आपसे जो टेस्ट लिए गए सिलेक्शन टेस्ट के दौरान उनको आपने क्वालिफाइड कर दिया तो आपका इंटरव्यू रख दिया जाएगा। और उस इंटरव्यू के दौरान आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू के दौरान क्या पूछा जाता है समझते हैं। इंटरव्यू में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी पार्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लेती है तो उस इंटरव्यू के दौरान उससे डिटेल्ड नॉलेज ली जाती है। जो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है क्या वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है, क्या वो इंफॉर्मेशन जो उसने हमें एज ए सीवी प्रोवाइड की थी क्या वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, और साथ ही साथ हम उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को भी इसमें चेक करते हैं कि जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। प्रेम सिंह जी फिर रुकते हैं और फिर पूछते हैं, ठीक है भाई साहब मुझे ये बात समझ में आ गई, अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। नेक्स्ट स्टेप में जब उनको बताता हूं तो मैंने बताया कि आप जिस शहर या गांव से आए हैं मैं उस शहर या गांव के किसी पार्टिकुलर दो या चार व्यक्तियों का आप जानते ही होंगे उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड आपसे लिया जाएगा और उनके थ्रू आपके बारे में डिटेल पूछी जाएगी, बताइए ये व्यक्ति कैसा है, कोई केस मुकदमा तो नहीं है इसके अगेंस्ट, या कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, या कोई ये इस प्रकार की एक्टिविटी तो नहीं करता था पहले कि अगर हम इसको आज ऑर्गेनाइजेशन में ले लें तो हमारा जो है पार्टिकुलरली सारा का सारा जो है ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इसकी गुडविल है वो खराब हो जाए। तो प्रेम सिंह जी कहते हैं ये बहुत अच्छे से मैं समझा कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है कि मेरे जो है नेबरहुड से मेरे परिवारजनों से या मेरे नोन से मेरी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसे ये पता लगाते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है या मुझसे जो है एक्स्ट्रा दो चार इंफॉर्मेशन वो और लेते हैं ताकि फ्यूचर में यदि कोई मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूं तो उसको उस पार्टिकुलर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड के थ्रू उसके बारे में वो जज कर सके। चलिए प्रेम सिंह जी नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या है बेटा, हम लोगों ने अब तक चार स्टेप पढ़ लिए, पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा जो है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा जो है पार्टिकुलरली एम्प्लॉइज इंटरव्यू, फोर्थ वन हमने रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। अब सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय हम लोगों ने जो स्टेप पढ़े उस स्टेप के बाद हम लोग करेंगे क्या बेटा, प्रेम सिंह जी को मैं समझाते हुए क्या बताता हूँ कि जैसे ही आपके चार स्टेप क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप फर्दर जो स्टेप्स हैं वो क्लियर करेंगे। फर्दर स्टेप्स क्या बताए जाएंगे उसको, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उनमें उनको जॉब ऑफर दिया जाएगा, उनसे पार्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट साइन करवाया जाएगा। अब इनमें होता क्या है, कैसे हम इसको करते हैं, जैसे ही प्रेम सिंह जी को हमने बताया कि मैं चार स्टेप पूरे होने के बाद आपको पांचवें स्टेप पर ले जाया जाएगा और पांचवें स्टेप में ये देखा जाएगा कि वो आपका सिलेक्शन करे, और अगर उसमें ये डिसीजन लिया गया कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लिया जाए तो वो डिसीजन किस बेस पर लिया जाता है, टिल दैट जो स्टेप उसने वन बाय वन करके पास आउट किए उनमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और जैसे ही हम उसका सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद उसको क्या देते हैं, जॉब ऑफर देते हैं। लेकिन जॉब ऑफर देने से पहले हम उससे एक पार्टिकुलरली एक स्टेप और एक्सपेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उसे ये पता लगा पाते हैं हम लोग कि पार्टिकुलरली व्यक्ति कोरोना इफेक्टेड तो नहीं है, अगर कोरोना इफेक्टेड है तो उसको लेने का क्या बेनिफिट, हो सकता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही कोरोना इफेक्टेड हो जाए, या ये देखते हैं कि अगर वो मेडिकली अनफिट है तो ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अगर वो मेडिकली अनफिट हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना इतना प्रोसेस फॉलो करने का और इतना पैसा लगाने का, क्योंकि आपको पता है जब भी हम सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उससे पहले का एक स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है, दैट इज रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो अगर वो एम्प्लॉई अनफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक से नहीं कर पाया तो उससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो नहीं पाएंगे, फिर हमें दोबारा से कोई नया एम्प्लॉई सर्च आउट करना पड़ेगा, तो इसलिए उससे मेडिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाता है, उसका मेंटल लेवल क्या है इसके बारे में जज किया जाता है, वो इन्फेंसी तो नहीं है या उसकी थिंकिंग स्किल्स पुअर तो नहीं है, इन चीज़ों के बारे में, और पार्टिकुलरली अगर मैं थिंकिंग स्किल्स की इनके अलावा बात करूँ तो बेसिकली मेन जो कंसर्न पॉइंट होता है वो उसका मेडिकल फिटनेस होता है, मेडिकल फिटनेस के बारे में हम इसमें जज करते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पार्टिकुलरली
जो है एक जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं, और जॉब ऑफर जो प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हम करते क्या है, उसके यहाँ हम एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, या अगर वो ऑन द स्पॉट व्यक्ति है तो उसको हम बुलाकर जो बुलाकर हम जो है क्या प्रोवाइड करते हैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर। और अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो कि बेसिकली नेक्स्ट स्टेप को फॉर्मुलेट करती हैं। तो प्रेम सिंह जी ने जो नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानने से पहले पूछा कि जॉब ऑफर क्या है, तो मैंने इनको क्या समझाया कि जॉब ऑफर का मतलब होता है कि उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करना, और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ मैंने उनको बताया कि हम नेक्स्ट स्टेप पर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसमें डिटेल्स में लिखा होगा कि आप जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने समय तक काम करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रहेगा, इस दौरान आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ेंगे, और अगर बीच में आप जॉब छोड़ते हैं तो आपसे इस प्रकार से पेनल्टीज ली जा सकती है, या हम आपको निकालते हैं तो इसी तरीके से आपको जो है रेमुनरेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा देकर आपको कंपनसेट करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए स्मॉल टर्म, इट कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ थिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम करते क्या है कि हम उसको बताते हैं कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपका जो है रिलेशन क्या रहेगा, कौन आपके साथ काम करेगा, कौन आपके अंडर काम करेगा, कौन आपसे सीनियर होगा, ये सारी बातें उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। साथ ही साथ उसको सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में भी एश्योरिटी दिलाते हैं। ये सब जो है ने आठ स्टेप प्रेम सिंह जी को मैंने समझाए, और प्रेम सिंह जी को जब मैंने आठ स्टेप समझाए तो प्रेम सिंह जी जो है एक दिन मेरे पास आए स्टेप को समझने के बाद, वो जो है और आने के बाद उन्होंने मुझे क्या बताया कि मैं पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में गया और मैंने ये आठ स्टेप क्लियर किए, और उन्होंने मुझे जो है जॉब लोकेशन प्रोवाइड की है, और जॉब लोकेशन जो है वो कौन सी है, मुंबई। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा बहुत अच्छा प्रेम सिंह जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जो है मुंबई जॉब लग गई है। तो यहाँ पर हम अपनी जो पूरी स्टोरी को फिनिश करते हैं, इस पूरी स्टोरी से हमें क्या समझने को मिलता है, मैं उसको इन ब्रीफ कर दूं। तो देखिए इन ब्रीफ की तरफ हम चल पड़ते हैं, आपको यहाँ कुछ स्टेप दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे, PSIRSMJC। देखिए बेटा ये केवल कोई अल्फाबेट्स नहीं लिखे हैं, इनका अपना पार्टिकुलर मतलब है। वन बाय वन अल्फाबेट से समझते हैं ये था क्या बेसिकली। देखिए पी से यहां मतलब था प्रेम, एस का मतलब था सिंह, प्रेम सिंह जिसकी कहानी हम पढ़ रहे थे अभी, आई का मतलब था इंडियन, आर का मतलब रेलवे, प्रेम सिंह इंडियन रेलवे, एस का मतलब से, एम कहां गया, कहां मिली से अपॉइंटमेंट, मुंबई, एम का मतलब मुंबई, और जेसी मतलब जा चुका, तो दैट इज जे सी जा चुका। तो प्रेम सिंह इंडियन रेलवे से मुंबई जा चुका, ये बेसिकली जो मैंने सेंटेंस आपको बोला ये आपको हेल्प करेगा स्टाफिंग प्रोसेस के इन आठ स्टेप्स को याद रखने में। ये आठ स्टेप है क्या, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉई इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू HR ग्रीनफील्ड ऑफिशियल YouTube चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक, एंड न्यू टॉपिक विल बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, हैव ए गुड डे।